उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करके देश का मान बढ़ाने वाले प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मेरठ में खेल उत्पादों की अपनी एक गुणवत्ता है और न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर भी उसकी मांग है। शासन स्तर पर उसे जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए था उसकी कमी पहले दिखाई देती थी, 2018 के बाद उसमें जो तीव्रता आई है वो अभिनंदनीय है। यूपी सरकार मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दे रही है, इसके लिए मैं आप सभी मेरठ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। मेरठ को हम लोग स्पोर्ट्स आइटम के लिए चयन करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरठ ने एक लंबी छलांग इस दिशा में लगाई है और इसीलिए यहां पर आप एक मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी राज्य सरकार दे रही है। मैं इसके लिए आप सभी मेरठ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहुत शीघ्र इसका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, इसके लिए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन भी करता हूं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय कर रही है। ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में प्रदेश के पदक विजेताओं को स्वर्ण पर 6 करोड़, रजत पर 4 करोड़, कांस्य पर 2 करोड़ की सम्मान राशि दी जा रही है। मेरठ में बनने वाले खेल के सामानों की अपनी विशिष्ट गुणवत्ता है, इसकी न केवल देश बल्कि दुनिया में व्यापक डिमांड है। साल 2018 के बाद इसमें तीव्रता आई है जो कि अभिनंदनीय है। वहीं नोएडा के डीएम सुहास सेलवाई की सराहना करते हुए योगी ने कहा कि टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास सेलवाई, जो कि उन्होंने प्रदर्शन किया है टोक्यो पैरालंपिक में, खास है और अत्यंत सराहनीय है। उनका मैं अभिनंदन करता हूं, इसके लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।